तो गाइज वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। अब मैं क्या बोलूँ यार, मैं मुझे मेरे सर में दर्द होने लगा है ये सब देख के। घर में ये सब नाटक जो कर रहे हैं ना, ये आजकल पूरा घर पीला पीला पता नहीं क्या लेकर आए थे गुटखा। ये हाँ कैसे लोग खाता है गुटखा, बाप रे बाप। खाता कैसे है, लेकिन ये क्या हुआ है घर में? आप ही लगी हैं। हम किए हैं? आप इतना हमको गुस्सा दिलाइएगा, मेरे पानी में गुटखा भर के ले आए थे। हमको सही है प्यास लगा है। केसर का दम नहीं समझते हैं, केसर का दम कैसे मिलेगा आपको, मजा आएगा। हमको प्यास लगा है, प्यास लगा है। एक तो मेरे से ये मांगे खाने के लिए, तो मैं इनको ले ला के कितना से झाल मुड़ी बना के लाई, उसमें मिला के सारा बर्बाद करवा दिए। दोबारा ये ऐसा ड्रामा कर दिए। सच बता रही हूँ, मुझे कभी कभी ना मतलब फास्ट में तरह तक कभी की नहीं हूँ, मुझे चक्कर जैसा कभी कभी आने लग रहा है। उसके बाद ये ऐसा अगर नाटक करेंगे तो मैं क्या करूँ, मन कर रहा है जाकर सुसाइड कर लूँ। हाँ जा रहे हैं। तो आज ये कपड़ा पर सारा धोए हैं, लीजिए धोए हैं अच्छे से। अच्छा तो साबुन साबुन लगाए हैं। हाँ ऐसे थोड़ा पिला देंगे, मैं लगा अभी भी। हम इसका क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आप जो किए हैं कांड, पोछा लगाइए पोछा लगाने वाला से, पोछा लगाइए पोछा लगाने वाला से, पूरा सब में दम गुटका गुटका कर दिया ऐसा लग रहा है। अरे आपका टी शर्ट में भी गुटका लगा हुआ है, दिखाइए। देखिए यहाँ M7 लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई गुटका खा के दम पूरा अंदर ना वो भी हो गया होगा, खोली तो जरा उसमें भी कलर लग गया होगा। हे भगवान, मेरे से नहीं होगा। मैं तो ये कहूंगा कि प्लीज गुटका जो भी खाता है मत खाइए। देखिए फर्श पे गिरा है, क्या हाल हो रहा है, और आपके पेट में जाता होगा तो क्या होता होगा, प्लीज मत खाइए। दारू पीता है वो, दारू तो बस दारू का नाम, दारू अच्छा चीज होता है, दारू से कीड़ा मरता है, पता नहीं आपको कौन सा कीड़ा मरता है हमको बताइएगा जरा। हाँ कौन सा कीड़ा मरता है दारू से? आप छोड़ दीजिए, हम पोछ लेंगे, ब्रिंग बहुत फूट देंगे आपको, मेरा बस व्रत खत्म कर दीजिए। तो पोछेंगे तो कैसे पोछेंगे, कपड़े से पोछेंगे? नहीं वो कितना से पड़ा हुआ है गंदा, पूरा घर आप गंदा कर दीजिएगा। इसे पोछें, इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं कितने दिनों से, इसे पोछें। ये हमको ना बोले कि ना गाड़ी में कपड़ा रखा हुआ है लेकर आ जाएंगे, ले आए अभी तक आप लाए? पकड़िए इसको, चलिए थोड़ा सा पुण्य का काम करता हूँ, मिलता हूँ आपसे बाद में। The next morning. Hey guys, good morning. Welcome back to our channel and friends. तो अभी सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग, और मेरी वाइफ जो है चाय वाय बना करके बिल्कुल रेडी करके रख दी है। तो अभी तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चाय मेरी वाइफ तो रोज बना के देती है, अब कभी कभार वर्कलोड बढ़ जाता है इसलिए वो चाय नहीं बनाती है। तो आज सुबह सुबह बिल्कुल चाय देखिए मेरे टेबल पे रेडी है, और आप सोच रहे होंगे दो चाय किसके लिए, तो एक चाय तनु के लिए, वो चाय नहीं पीती है, वो सिर्फ रस्क जो होता है ना, रस्क को वो डिप करके खाती है चाय में बस, उसके बाद चाय बच जाए छूट जाए उससे उसको मतलब नहीं है। तो अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई है। ए बिगड़ी हुई, ए उठो बेटा चलो चाय रस पीने, चाय और रस। तो सुबह सुबह चाय का जो मज़ा है ना, मुझे पता है कि अनहाइजीनिक है, मतलब हेल्दी नहीं है सुबह सुबह चाय पीना, बट क्या करें यार, गंदा है पर धंधा है ये। आदत है ना, क्या बोल रहे हैं, गंदा आदत लगा ली है। अच्छा गंदा आदत है, तो इतना दिन से रोके क्यों नहीं? 2012 में शादी करके आई है मेरे पास, और उस समय से डेली चाय बना के दे रही है, एक भी दिन नहीं बोली ए जी मत पीजिए ना भोरे भोरे चाय। हाँ तनिषा आई है, टाइम जोन नहीं जाओगी बेटा? अच्छा प्ले डेट में, बच्चों को खेलने के लिए भी कितना सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा है और तनिषा जाएगी यहाँ खेलेगी एक घंटे, और मुझे कुछ सामान लेना। ये देखिए बच्चे लोगों को, वाह
बच्चे लोगों के लिए कितना मतलब खेलने कूदने का जगह है। तनु तुम जाओ अंदर जाओ जल्दी से, एकदम बच्चा एकदम पागल हो गई है। पूरा एक घंटे तक पूरा मजा लेंगे। तनु सुनो, तनु बाय, खेलो आराम से ठीक है, एंजॉय करो। गाइस हम लोग अभी मॉल आए हैं कुछ अपने लिए परचेज करने के लिए, बट लेकिन कुछ एक्चुअली मुझे कुछ टी शर्ट वगैरह लेना है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो देखते हैं। मैं तो सोच रही हूँ पहले वही जाके ले लेती हूँ। कहाँ जाकर के? देखते हैं मैक्स में थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। एक जगह तो बच्चे को छोड़ दिया, एक जगह इसको छोड़ के उसका मैं करूँगा इंजॉय। वहाँ सामने है ना बार भी, वहाँ पे नवरात्रि चल रहा है। वैसे अभी हम लोग जो है यहाँ से गेम खेलने के बाद मॉल से निकल करके, इसको कुछ काम था तो जल्दीबाजी में आ गए, और यहाँ पे पिज्ज़ा की शॉप है, वहाँ पर देखिए क्या खा रही है। अकेले पूरा एक पिज्ज़ा खा रही है, बढ़िया टेस्टी है। बाहर बन जाकर अंदर जाके बोल रही थी टॉपिंग के साथ खाया करो जी। तो बड़ी मना किया टॉपिंग में, वेजिटेबल बस नहीं खाना है। तो जल्दी खा लो, जल्दी तो जैसा मैंने पसंद किया वैसा ही तो खाऊंगी। प्लास्टिक का खाना है, भूख लग गया। तन्नू जो है पिज्ज़ा खा के पूरा एकदम पेट भर लिया और ये सो गई है यहाँ पे, और इसका जो है स्वीट चल रहा है। क्या खा रहे हैं ये, कौन सा स्वीट है? खा लीजिए, बढ़िया सर। मेरा भी रसमलाई यहाँ पर रखा हुआ है, नमकीन। कौन सा? ये नमकीन है, सेवई है। अच्छा सेव, हाँ मतलब ऐसे ही कुछ है, वो आगे है वाला समझे, वो जो वहाँ रखा हुआ है। देखिए उंगली उसका इधर उधर ही है। ये वाला नहीं, ये तो यही था ना, हाँ सेवई है। फ्रेंड्स जिसका मतलब हर दिन ये डिमांड करती है, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, सुपारी मतलब पूरा घर जो है मेरा ये केसर का जो दम बिखरा पड़ा था उसके लिए कपड़ा मांग रही थी, तो फाइनली इसके लिए कपड़ा ले आया। लीजिए पकड़िए, ये वाला कपड़ा एक था मेरे पास जो मैं किचन में यूज करती थी, और एक दिन मतलब पोछा भी मैं लगा लेती हूँ उससे, और किचन का जो वो है वो भी साफ कर लेती हूँ। तो एक दिन पोछा लगा रही थी और मैं बकेट भी दोनों इसी कलर का है उसी में ये रखा हुआ था, मैं उसको उठाई और सीधे डाली। किसमें किसमें बोलिए? ये एड़ी है और कुछ नहीं है, मतलब एड़ी फेड़ी क्या करते हैं, एड़ी का मतलब पागल। उसमें मैं पूरा बाल्टी में पानी भरा तो उसको उठा के डाली, कपड़ा सहित सब पार हो गया। तो बाल्टी में कपड़ा कितने बार मतलब मेरे से गलती हुआ है, कितने बार उसमें ना या तो सॉक्स रह गया है या तो हैंकी रह गया है, ये बहुत बार हुआ है मेरे से। किसी दिन ये हमको भी बाल्टी में उठा के डाल देगी नहीं। तो एक ये बच्चा है मेरे मतलब हमारे सोसाइटी में, नीचे जो है दुर्गा पूजा का पंडाल लगा है और शाम में अक्सर वहाँ पे मतलब वो क्या कहते हैं उसको जी, आरती वगैरह होता है, रोज होता है आरती, मतलब वहाँ ये डांस वान डांस हो रहा है, गीत भजन आरती, करीब 8:30 तक आरती होता है, 8:30 तक सब कोई बहुत 9 बजे तक होता है, उसके बाद सब यहाँ पर बैठ के गपशप करते रहते हैं लोग। ये जाती है उसके बाद ये आने का नाम ही नहीं लेती। तो कल जो है ना मैं मतलब जो है ये भीड़ में घुसी हुई थी तो मैं इसको देखने के लिए नीचे गया, देख रहा हूँ सबसे आगे पंडाल में खड़ी है, बाप रे बाप जहाँ पे। और अभी हम देख रहे थे ऊपर से तो माइक में बोल रही है हेलो हेलो। और वो पंडित जी भी जो है
सारे बच्चों को बतासा बांटते रहते हैं वो। ये जाकर आज कितना बतासा ली थी आज? आज लड्डू खाई, मिठाई क्या खाई हो? वो एक वाइट वाला वही जो था जो ऊपर लाई थी, इतना दिया था इतना। क्या था वो? वही जो ऊपर लाई थी कल सेब के साथ वो बतासा। हाँ वही तो बतासा। नहीं समझ में आ रहा है मुझे, नाम याद नहीं रहता। और क्या खाई थी? और एक वो मीठा टाइप का वो जो लड्डू रहता है जिसमें स्क्रंच टाइप का कुछ रहता है, नारियल का वो होगा, वाइट वाइट। तो गाइस आज आज का और कुछ खाई है? ए यार और क्या मिला था? हवा खाई है, बनाना। हवा खाई है, मार खाई है, डांट खाई है, और क्या क्या खाई है? और बनाना, बनाना भी था। मतलब इसे भूख बिल्कुल नहीं लगता है जब ये खेलती है तो। कितना भी बस चिल्ला रही तन सुन ही नहीं रही, फिर नीचे जाके मार के लाई हूँ इसे। तो सुनाई कैसे देगा जब तुम्हें पता ना मैं कितना खेली। एक मिनट, तुम्हें भूख लगता है या नहीं लगता है ये बताओ? नहीं लगता। दूध भी नहीं पी रही है दो दिन से ये? पियो। कब पियो? आज पिया था। आज पियो तो आज। अरे लोगों का बकवास चल रहा है, चुप रहिए। तो गाइस आज का आप लोगों ने प्रैंक देखा और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हो उस प्रैंक को। और ये प्रैंक जब हुआ था इसका तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गया था। चलिए कहा चले चलिए, अभी मुझे काम करने दीजिए, अपना जो बकवास करना कर लीजिए। तो इसका तो बीच बीच में भूल जाती है कुछ, लेकिन जब मैं याद दिलाता हूँ तो फिर गुस्सा हो जाती है। बाद में ये लोग मतलब जो आया था विकास और उसका फ्रेंड जो आया था, जाने के बाद जो ये मुझे मतलब क्या बोलूँ, छोड़िए वो कैमरे पे नहीं बोल सकता। ठीक है, मुस्कान ही है मन में। तो गाइज आज प्यार दीजिए आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग को भी, हमारे प्रैंक को भी। हाँ इसे भी प्यार दीजिए, प्यार दो, प्यार लो। हाँ ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।